मुबारक हो आपको, चांद मुबारक हो, चांद मुबारक हो, चांद मुबारक हो। अरे हमजा चांद मुबारक हो तुम्हें, आपको भी मामू, चांद मुबारक हो तुमको भी। अमरीन चांद रात मुबारक हो। मुबारकबाद बिना दिए जाएंगी आप? नसीहतों की बारिश होने वाली है, चलिए नीचे। मोहब्बत की छतरी है ना, हम ये तो जान ले कि हमारी चांद ने ईद के चांद से क्या मांगा। क्या मांगेंगे हम? सबकी खैरियत, आपकी सेहत और तरक्की। और खुद के लिए? खुद के लिए मांगा ना आपको। और हम दोनों के लिए? हम दोनों के लिए एक नन्हा सा चांद। और अगर चांदनी तशरीफ लाए तो? अल्लाह की रहमत, जिस रंग में आए हमें मंजूर है। हाय, कोई क्यों ना मर जाए सदा पे। इमरान नीचे आओ, सारी रात चांद देखना है क्या? चलो। सलाम अबू, चांद रात मुबारक। सलाम अलैकुम अबू। तुमको भी। लेकिन ये बताओ ये क्या बेहूदगी है, ये छत पे आतिशबाजियां क्या उड़ा रहे हैं? जी अबू बच्चे। अरे कुछ दिनों के बाद तुम बाप बनने वाले हो, खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ईद के चांद को देखने के बाद दिवाली की तरह पटाखे छोड़े जाएं। लेकिन नाना अबू, इस्लाम में पटाखे फोड़ना मना तो नहीं है, अपनी खुशी जाहिर करने के लिए इंसान तो ढोल भी बजा सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में साबित भी होता है। अरे शमा, ये कैसा बेटा पैदा किया है तुमने, ये कोई इसकी उम्र है ऐसी बातें करने की? नाना जान, इंसान की दो उम्र होती है, एक फिजिकल उम्र, एक दिमाग की उम्र। आप किस उम्र की बात कर रहे हैं? मेरी उम्र कम हो सकती है, लेकिन मेरे दिमाग की उम्र कम नहीं है। बताइए कुरान पाक की कौन सी सूरत सुननी है? अरे साहेब, अरे समझ गया मेरे भाई, समझ गया मेरे बाप। अरे आलिम शेर जानते हैं कि पूरा कुरान शरीफ तुम में हिफ्ज है। अब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे इमरान जी, चलो मौलाना भाईजान को चांद की मुबारकबाद देकर आते हैं। जी आते हैं, चलिए।